एमपी के शिवपुरी में 22 जनवरी 2024 केंद्रीय नागरीय उन्नयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को शिवपुरी जिले के भ्रमण पर रहे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने शिवपुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत माधव चौक पर आयोजित शिविर में भाग लिया और हितग्राहियों को लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुँचाने का अभियान है। संकल्प यात्रा की गाड़ी मोदी की गारंटी की गाड़ी है। भारत को विकासशील से विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, गरीबी मुक्त देश का लक्ष्य है और इसका उदाहरण है शिवपुरी की ललिता और विद्या आदिवासी, जिनसे प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया और महिलाओं ने एक एक योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। ऐसे ही कई योजनाओं से हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, गरीबों को राशन पहुंचाया जा रहा है, किसान सम्मान निधि से सीधे किसान के खाते में 6,000 रुपए की राशि पहुंचाई जा रही है, उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा मिलने से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हजारों लोगों ने जो आतंकारियों आक्रमणकारी देश के अंदर आए थे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, उज्जैन के महाकाल को नष्ट किया, काशी विश्वनाथ को नष्ट किया, अयोध्या धाम को नष्ट किया, आज भारत माता उभर रही है तो आर्थिक शक्ति के रूप में केवल नहीं, लेकिन भारत माता आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभर रही है। आज देखो क्या रूप लिया है केदारनाथ से बद्रीनाथ ने, क्या रूप लिया है उज्जैन के महाकाल लोक ने, क्या रूप लिया है काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर ने, और आज क्या भव्य रूप ले रहा है भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर ने। भारत उठ रहा है, भारत एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उठ रही है और हमें गर्व है कि हमारा पंत प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री 11 दिन उन्होंने अन्न नहीं छुआ है, क्योंकि हिंदी पद्धति के आधार पर जब प्राण प्रतिष्ठा होता है 11 दिन उस पद्धति का निर्वाह करना पड़ता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।